नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर ऑर्डर, इन्हें पहचानिए। इन्हें पहचानिए तो वह आपको अपनी पुस्तक में पेज नंबर 38 और 39 पर दिया है, तो आप देख सकते हो। आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो, है ना? हाँ, तो आपके पास पुस्तक में 38 और 39 पर एक चैप्टर दिया है जिसका नाम क्या है? इन्हें पहचानिए, इतने के उन्हें तुम्हें ओढ़ो। तो आज हम क्या अभ्यास करेंगे कि व्यवसाय का, तो आपको आप लोगों को पता ही होगा कि कौन कौन से व्यवसाय का है, कि जो धोबी, लुहार, कुम्हार, सोनी, नाई, डॉक्टर, दर्जी, किसान, ये सब के बारे में आपको मालूम भी होगा, है ना? हाँ, तो आज हमें इन्हीं के बारे में अभ्यास करना है। तो आपके पुस्तक में आपको दिया है कि इन्हें पहचाने, तो सबके चित्र दिए हैं। देखो, अपना अपना जो काम है उनका वह करते हुए आपको चित्र दिए और चित्र के पास आपको उनका परिचय दिया है, तो हमें यह देखना है और समझना है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान देना। पहला चित्र किसका है? हाँ, तो पहला चित्र किसका है कि धोबी का। आपको पता ही होगा कि धोबी क्या काम करता है। हाँ, तो धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोता है। तो उसका परिचय दिया है, तो देखिए, यह धोबी है, यह लोगों के कपड़े धोता है। क्या कहा है? यह धोबी है, यह लोगों के कपड़े धोता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे घर के जो कपड़े हैं, हम वो कपड़े धुलवाने के लिए देते हैं, तो किसको देते हैं? धोबी को। तो धोबी का काम क्या है? कपड़े धोना। तो सुखे छे कि आज धोबी छे अने ते लोगों ना कपड़ा धोवे छे। तो ख्याल आवी गयो कि धोबी शु करे छे? कपड़ा धोवे छे। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। अब दूसरा चित्र दिया है उसके नीचे, तो वह चित्र किसका है? मालिक का। किसका है? मालिक का। तो मालिक क्या काम करता है? हाँ, तो मालिक पौधों की देखभाल करता है। अगर आप बगीचे में गए हो तो बगीचे में माली आपको दिखाई देगा, और शहरों में जो बड़े बड़े मकान होते हैं उसमें एक माली रखा हुआ है। यह हर, बेनी, बजरे आदि बनाता है। ये जो मालिक है वह पेड़ पौधों की तो देखभाल करता है, लेकिन दूसरा क्या करता है कि हर और बेनी और बजरे भी बनाता है। आप लोगों ने हर, बेनी और बजरे तो देखे ही होंगे, है ना? हाँ, तो यह फूलों का जो हर, बेनी और बजरा है वह बनाता है। समझ में आया सुखे जी कि आ माली छे? माली, माली ने गुजराती में आपने શું કહ્યું છે? માળી। તો કે આ માળી છે અને તે શું કરે છે? કે વૃક્ષોની છોડની દેખભાળ કરે છે, અને તે હર, બેની અને ગજરા પણ બનાવે છે। ફિર આગળ આપકો દિયા હે કિસકા ચિત્ર હે? હા, કિસકા ચિત્ર દિયા હે? કુંભાર કા। તો ક્યા કહા હે કે યહ કુંભાર હે? यह मिट्टी के बर्तन बनाता है, यह खिलौने भी बनाता है। तो आप चित्र में देख सकते हो कि जो कुम्हार है वह क्या कार्य कर रहा है कि माटी का बर्तन बना रहा है। उसके पास में बहुत से सारे बर्तन हैं, और हाथी और ऊंट भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि उसने क्या किया है? माटी का खिलौना बनाया है। जो हाथी और ऊंट है क्या कहते हैं कि आप कुम्हार छे? कुम्हार, कुम्हार या मैं गुजराती में शू कही? कुंभार। तो सुखे छे कि आप कुंभार छे। कुंभार
કુંભાર માટેના વાસણ બનાવે છે અને તે રમકડા પણ બનાવે છે. તમે બધા ઘરમાં આપણે પીવાનું પાણી સામા ભરીએ છીએ માટલામાં, તો માટલો લેવા આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? કુંભારની ત્યાં. તો કુંભાર શું બનાવે છે? માટલા પણ બનાવે છે ને? હા, તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. તો કુંભાર માટીના વાસણ બનાવે છે. ફિર આપણે આ ચિત્ર દિયા હે જીસમે ક્યા કર રહા હે કે મોજી આપકો બહુત સે સારે જૂતે દેખને કો મિલતે હે ના? હા, તો યહ મોજી હે યહ ચંપલ જૂતે બનાતા હે, ઉનકી મરમ્મત ભી કરતા. તો આપ તો લોકો બતાઈ દુંગા કે મોજી મોજી ક્યા કામ કરતા હે કે જૂતે બનાતા હે. લેકિન અગર હમારે જૂતે કહીં સે ફટ જાતે હે યા ટૂટ જાતે હે तो हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास, क्योंकि वह उसको ठीक यानी कि अच्छा कर देता है. तो आपको पता ही होगा है ना? हाँ, तो मोची तो काम करे छे कि ते चंपल बनावे छे और ते तेने मरम्मत पण करे छे. फिर आगे के आपको चित्र दिया है किसका? कि हाँ, क्या है? कि नाई. कौन है? नाई. तो इसको नाई है. यह एक बच्चे के बाल बना रहा है. इसे गजम भी कहते हैं. ये जो नाई है उसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं? गजम. और वह क्या करता है? कि लोगों के बाल बनाता है. तो हमें चित्र देखा दिया है कि एक लड़का है छोटा सा, तो वह बच्चे का बाल बना रहा है. नाई नाई यानी बाड़न. तो देखो करे छे के बाल. फिर आपको चित्र दिया है कि दर्जी का. किसका चित्र दिया है? दर्जी का. तो जो दर्जी है वह क्या करता है? कि कपड़े सिलता है. तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि दर्जी मशीन पे कपड़े सिल रहा है. तो क्या है? कि यह दर्जी है, यह लोगों के कपड़े सिलता है. दर्जी क्या काम करता है? लोगों के कपड़े सिलता है. फिर आपको आगे चित्र दिया है कि लोहार. इसका लोहार का. तो क्या कहा है? कि यह लोहार है, यह लोहे की चीजें बनाता है. जो लोहार है, तो लोहार किसकी चीजें बनाता है? तो कि लोहे की. तो वो भी आपको पता ही होगा कि लोहार लोहार से काम करे छे. हां, तो कि वह लोहे की चीजें बनाता है. फिर आपको चित्र दिया है सुनार. क्या कहा है? कि यह सुनार है, यह सोने चांदी के गहने बनाता है. जो सुनार है वो क्या करता है? कि सोने चांदी के गहने बनाता है. आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ कभी गए होंगे सुनार की दुकान पे, तो आपने देखा होगा कि उसकी दुकान में बहुत बहुत सारे सोने चांदी के गहने दिखाई देते हैं, क्योंकि वह सोने चांदी का गहने बनाने का काम करता है. फिर आगे चित्र दिया है हलवाई का. तो उसमें क्या है? कि हलवाई. तो हमें बहुत सी सारी मिठाई देखने को मिलती है. तो यह हलवाई है, यह तरह तरह की मिठाइयां बनाता है. हलवाई हलवाई क्या काम करता है? तो के मिठाई बनाता है. हलवाई के आपकी गुजराती में शू कही कंदोई. फिर आगे आपको दिया है पंचाई. तो के यह पंचाई है, यह मसाले दाले अनाज आदि बेचता है. पंचाई पंचाई का काम क्या है? कि वह दाने मसाले दाले और अनाज वगैरह बेचता है. फिर आपको चित्र दिया है राजगीर. तो कि यह राजगीर है, यह दीवार चूमता
करता है और उनकी मरम्मत भी करता है। फिर है नाई, तो नाई लोगों के बाल बनाता है और हम उसे दूसरा क्या कह सकते हैं, हजाम भी कह सकते हैं। फिर दिया है दर्जी, तो दर्जी लोगों के कपड़े सिलता है। फिर लोहा, तो लोहार लोहे की चीजें बनाता है। फिर है सुनार, तो के सुनार सोने चांदी के गहने बनाता है। फिर है हलवाई, तो तरह तरह की मिठाई बनाता है। फिर है पंसारी, तो पंसारी मसाले दाने और अनाज आदि बेचता है। फिर है राजगीर, तो दीवार चुनने का काम, मकान बनाने का काम आदि राजगीर करता है। फिर है किसान, तो के किसान खेती करता है और खेती करके अनाज पैदा करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वह क्या क्या कार्य करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय तो आपको दिया है यहाँ पे कि पढ़िए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हिंदी नाम है पहले और फिर क्या है, गुजराती नाम। तो आपको हिंदी नाम के पास क्या लिखना है, गुजराती नाम। तो आपके पुस्तक में आपको दिया है। तो देखिए धोबी क्या है, धोबी, तो धोबी को आपको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, धोबी। हिंदी में भी धोबी, गुजराती में भी धोबी। फिर आपको दिया है माली, तो माली नाम के गुजराती में शुभ विष्णु माली। हमने आगे देखा
देखा तो आप